दोस्तों, अगर आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर में आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंस्टाग्राम को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है ओपन कर लेना है। अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल जाता है, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको देखने को एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी, आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपको अकाउंट सेंटर देखने को ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा पर्सनल डिटेल्स, आपको जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर लिखा हुआ है कि डीएक्टिवेशन एंड डिलीशन, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो इंस्टाग्राम का यहाँ पे अकाउंट है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत लोग बहुत सारे अकाउंट यूज करते हैं तो वो सारा अकाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि बहुत लोग फेसबुक से लिंक करके रखते हैं तो वो भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको फेसबुक को रिमूव करना होगा तो उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम का आईडी जो है डिलीट करना है तो यहाँ पर देख सकते हो लिखा हुआ आ गया हुआ है मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। जैसे इस पर दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है डीएक्टिवेट कर सकते हैं और अपने अकाउंट को जो है डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डीएक्टिवेट अकाउंट और डिलीट अकाउंट। अब डीएक्टिवेट अकाउंट क्या होता है, डिलीट अकाउंट क्या होता है, सिंपल वे में समझा देता हूँ। डीएक्टिवेट अकाउंट का मतलब हो जाता है कि अगर आप चाहते हैं कि कुछ समय तक इंस्टाग्राम पे आप ना रहें, इस आईडी को जो है इंस्टाग्राम से कुछ समय के लिए हटा दें, तो आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बाद में आईडी पासवर्ड डालकर जो है आप लॉगिन कर लीजिएगा तो ये आईडी ओपन हो जाएगा और सबको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और डीएक्टिवेट करते हैं तो ये आईडी इंस्टाग्राम पर किसी को भी नहीं दिखेगा जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे। और डिलीट का मतलब हो जाता है कि हमेशा के लिए ये डिलीट हो जाएगा, उसके बाद कभी भी ये ओपन नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको जो है कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक रीज़न देना पड़ेगा कि आप इसको क्यों डिलीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएटेड है सेकंड अकाउंट, मतलब कि मैंने एक सेकंड अकाउंट बना लिया है और उसके बाद कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा, फिर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है पासवर्ड देना पड़ेगा, यहाँ पर आप जो है पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद आपको जो है कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है लास्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि ये अकाउंट को जो है 2 दिसंबर से पहले अगर आप लॉगिन करते हैं तो ये अकाउंट फिर से ओपन हो जाएगा। मान लो कि ये डिलीट जोश में आप कर रहे हो और किसी रीजन के वजह से आपको फिर याद पड़े कि यार वो अकाउंट में तो ये चीज़ था, मुझे ज़रूरी था, तो 1 महीने का ये समय देता है। 1 महीने के अंदर में अगर आप आईडी को लॉगिन कर लेते हैं तो ये आईडी फिर से एक्टिव हो जाएगा। अगर 1 महीने के अंदर में ये आईडी को दोबारा लॉगिन नहीं करते तो ये आईडी ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम आपको डिलीट कर देगा। तो आज 2 नवंबर है तो यहाँ पर दिखा दे कि 2 दिसंबर से पहले मैं इसको एक्टिव कर सकता हूँ। 2 दिसंबर से पहले इसको एक्टिव ना करूँगा और छोड़ दूंगा ऐसे ही, तो 2 दिसंबर के बाद ये परमानेंट डिलीट हो जाएगा। और जैसे डिलीट अकाउंट पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर क्या होगा कि आपका अकाउंट जो है डिलीट कर दिया जाएगा। अब ये अकाउंट आपको जो है इंस्टाग्राम पर देखने को नहीं मिलेगा और सिर्फ 1 महीना आपके पास है इसको लॉगिन करने का, नहीं तो ये अकाउंट जो है डिलीट हमेशा के लिए हो जाएगा और उसके बाद इसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को जो है डिलीट कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताना आप, और चैनल पर नए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, गुड बाय, टेक केयर।